से रघु तो एक काम करो वहां से शुरू जा आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं है। देख, तेरा पैर फंस गया जड़ों में। देख, देख। घबरा मत। अभी बस, अभी निकाल देता हूँ। चल, फावड़ा ले, चल निकलते हैं। चल, 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 चल। से आई हूँ। कुछ साल पहले मैं भी इन बच्चों में से एक थी, अनाथ और बेसहारा। क्या हुआ बेटा, आपको लगी? आप बड़े बच्चे हो ना, बड़े बच्चे नहीं रोते। अब ये देखो, ये देखो, ये कीड़ा। That's like a good girl. जी कहिए, किससे मिलना है आपको? आप? मेरा नाम श्रवण है। इन बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। ओह, आप यहाँ पे कितने सालों से काम कर रहे हो? जिंदगी गुजर गई यहाँ काम करते करते। 20-25 साल तो आराम से गुजर गए होंगे। तो फिर तो आप यामिनी को जानते होंगे। यामिनी? ऐसी कोई बच्ची नहीं है यहाँ पे। है नहीं, थी। आज से 15 साल पहले कर्मिनी के वसुंधरा और आनंद ने उसे गोद लिया था। हाँ, एक ऐसी लड़की थी, पर आप? मैं ही हूँ वो लड़की, यामिनी। अरे बिटिया, तू इतनी बड़ी हो गई, मैं तो तुझे पहचान ही नहीं सका। पर इतने सालों बाद हमारी याद कैसे आई? मुझे खुद कुछ याद नहीं था, पर जब मुझे पता चला कि मैं अनाथ हूँ और मेरे असली माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, तब मैं यहाँ चली आई अपने जड़ों को देखने। माफ करना बेटा, पर तुम्हारे माँ बाप गुजरे नहीं थे, वो तो अपनी मर्जी से तुम्हें यहाँ छोड़ गए थे। क्या मेरे माता पिता जिंदा थे और वो मुझे यहाँ छोड़ गए? मतलब वो मुझे चाहते ही नहीं थे। बोझ थी मैं उन पर। ऐसा मत कहो बेटी, जरूर उनकी कोई मजबूरी रही होगी। कोई भी मजबूरी बेटी से बढ़कर तो नहीं होती ना। पर अगर मेरे माता पिता जिंदा थे तो आपने मुझे अनाथालय में रखा ही क्यों? बेटी, पैसों की सख्त जरूरत थी मुझे उस वक्त, इसलिए। मतलब चंद पैसों के लिए आपने मुझसे मेरा बचपन छीन लिया? नहीं बेटा,
ऐसा मत कहो, तुम्हें तो एक बहुत अच्छा परिवार मिला है। आपके पास एड्रेस है मेरे असली घर का? क्या हुआ, फोन क्यों किया तुमने? जी वो आप घर कब तक आएंगे? क्यों आऊंगा तो आप क्यों उतारोगी मेरी? नहीं, बहुत देर हो गई है ना, रात के 3 बज रहे हैं। तो अरे 3 तो रोज ही बजते हैं। तो मेरी गाड़ी खराब हो गई तो मैं क्या करूं? सुनिए, आपने आज फिर पी ली है क्या? क्या तुम मुझसे सवाल कर रही है कि मैंने पी रखी? कल का सबक तुझको लगता है भूल गया? एक बार मुझे घर आने दे, फिर तुझे समझाता हूं। तुझे किसने बोला था फोन करने के लिए? मुझे तेरी वजह से मैं गलत जगह आ गया। ये क्या हो क्या रहा है? ये क्या था अचानक? हेलो, कौन सी जगह पे बुला दिया दुर्जन ने हमें? इंस्टीट्यूट में ऐसी भी कोई जगह है? मुझे तो नहीं पता था। दुर्जन और इस इंस्टीट्यूट के ऐसे कई राज हैं जिनके बारे में हमें जानना है। ये किसकी चीखने की आवाज थी? एक आत्मा की चीख है। लेकिन ये आत्माएं चीखती क्यों है यहां पर? ऐसा क्या करते हैं आप इन आत्माओं के साथ? ये सब जानने की तुम्हें जरूरत नहीं। अपने काम पर ध्यान दो, आत्मा को रिकॉर्ड करो टेप। मुझे जानना है, हम लोग काम करते हैं इस इंस्टीट्यूट के लिए, हमें ये जानने का पूरा हक है कि आप लोग करते क्या आत्माओं के शॉर्टकट। समझाओ इसे,
चादर के बाहर पैर फैलाने की कोशिश कर रहा है ये। लूसी फरेलो को पता चल गया तो पैर ही नहीं रहेंगे। पर राघव बताइए, इस बार कौन सी आत्मा की शूटिंग करनी है हमें? इस बार किसकी शूटिंग करनी है ये मैं नहीं जैस्मिन बताएगी तुम्हें। जैस्मिन? ये जैस्मिन कौन है? रोज पार्क सोसाइटी फ्लैट नंबर 113 में रहती है वो। जाओ मिलकर आओ उसे। यामिनी को भी लेके जाना साथ में है कहाँ वो? इतनी रात को कौन आया होगा? हाय हाय, कौन? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। यामिनी, विजय और शकुंतला की बेटी यामिनी। बेटा, माँ, नहीं, मैं तेरी मौसी, दमयंती। मौसी? मौसी मम्मी पापा का है? मम्मी, मम्मी, पापा, मम्मी। यामिनी बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या वो मुझसे प्यार नहीं करते थे? ऐसा मत कहो बेटा, वो तुम्हें इतना प्यार करते थे तभी तो अपने दिल पर पत्थर रखकर तुम्हें वहां भेजा तुम्हारी भलाई के लिए। कैसी भलाई? तुझे तेरी जुड़वा बहन मल्लिका से बचाने के लिए। बचाने के लिए? हाँ, पापी है वो, घोर पापी। इस कलियुग के हर एक अवगुण उसपे कूट कूट के भरे हैं। फिर ऐसा क्या कर दिया मेरी बहन ने? 14 साल की उम्र में उसने अपने ही माँ बाप का खून कर दिया अपने ही हाथों से। क्या? अपने ही हाथों से अपने ही माँ बाप खून कर दिया उसने? हाँ, तभी तो बचपन में ही तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें उससे दूर कर दिया था। तुम्हें अकेला पाके वो घंटों तक मारती रहती थी और एक दिन तो उसने तुम्हारी जान लेने की भी कोशिश की थी। इसीलिए उन्होंने मुझे अनाथ आश्रम भेज दिया मल्लिका से दूर करने के लिए।
मुझे जाना होगा। आप अपना ख्याल रखना। और तुम भी अपना ख्याल रखना बेटी। झाड़ियों में लाश पड़ी मिली इसकी। मुझे तो लगता है ये काम जरूर किसी बुरी आत्मा ने किया है। बुरी आत्मा? हाँ। मैंने फोन पर चीखें सुनी थी उसकी, इतनी दर्दनाक भयानक चीखें। तरह से अच्छा ही हो गया, तुम्हें छुटकारा मिल गया उससे। पिछले दो हफ्तों में ये चौथी मौत है। अगर इसी तरह मौत का सिलसिला चलता रहा तो इस कब्रिस्तान में जगह कम पड़ेगी। ये तूफान कैसा? अचानक ही हवाएं। लगता है वही आत्मा है। अचानक ही हवाएं कैसे चल रही हैं? इतनी तेज हवा, वो भी कब्रिस्तान में। लगता है ये कोई आत्मा है। अरे हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चलो चलो भागो यहाँ से। अरे सब लोग भागो 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 यहाँ से। अरे अरे निकलो, जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से निकल जाओ। सब लोग निकल जाओ। ऐसा लगता है जैसे कोई जानवर घुस गया पिंड में। कहिए। जासमीन जी यहीं पे रहती है? हाँ, पर वो प्लीज जरा उन्हें बुला दीजिए, हमें उनसे बहुत जरूरी काम है। और आपने आने में बहुत देर कर दी। क्यों? वो कहीं चली गई है क्या? बहुत दूर। दूर कहाँ? वो मम्मी की डेथ हो गई 2 हफ्ता पहले। क्या जैस्मिन जी मर चुकी है? ये आवाज सुनी आपने? नहीं नहीं। तुमने सुनी? नहीं नहीं। तो घर में आप दोनों ही हैं? बस अब तो हम दोनों ही हैं इस घर में। अरे पर ऐसे कैसे हो सकता है? दुर्जन ने तो कहा था हमसे कि दुर्जन? कौन दुर्जन? और दुर्जन को मेरे वाइफ से क्या काम हो सकता है? वो सब हम आपको नहीं बता सकते। जैस्मिन के डेथ के बाद आप दोनों ही हैं ना इस घर में? हाँ, क्यों? यहाँ पे कोई लेडी नहीं रहती है ना? नहीं। तो फिर ये साड़ी किसकी है?
वो हाँ वो गिफ्ट देनी है किसी को, गिफ्ट। अच्छा अच्छा गिफ्ट देनी है। मिक्सर की आवाज। आप तो कह रहे थे कि घर में और कोई नहीं। अरे 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 कहाँ घुसे जा रहे हैं आप? यहाँ पे तो कोई भी नहीं। मैं कह रहा था ना आपसे, यहाँ कोई नहीं है। अगर कोई नहीं है यहाँ पे तो ये मिक्सर कौन चला रहा था? मिक्सर कोई नहीं चला रहा था, आप लोगों के कान बज रहे हैं। मतलब कि आपने मिक्सर की आवाज नहीं सुनी? नहीं नहीं सुनी। बेटे आपने भी मिक्सर की आवाज नहीं सुनी? नहीं नहीं इसने भी नहीं सुनी। जा बेटा जा, बस जाओ अभी, आप लोग जाइए जाइए प्लीज। फिर से उसी मिक्सर की आवाज। बस बहुत हो चुका है, आप होते कौन है मेरे घर में इस तरह घुसने वाले? आप यहाँ से चुपचाप चले जाइए वरना पुलिस को बुलाऊंगा मैं। इसकी कोई जरूरत नहीं होगी, हम जा रहे हैं यहाँ से। तो जा। चलो राघव। क्यों जा रहे हो? जब तुम यहां तक मेरे साथ आए, अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर देना। शो बाय, टेक केयर। फिर से चले जैस्मिन के घर पे। एक बार पड़ोसी से भी पूछ लेते हैं, शायद उन्हें कुछ पता होगा जैस्मिन के बारे में।
लगता है घर पे कोई नहीं। क्या है? हमें आपसे कुछ बात करनी है। जी नमस्ते, कुछ पूछना था आपसे। मैं तुम्हें नहीं जानती। चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। प्लीज हमारी बात तो सुन लीजिए। नहीं बहू, पूरी बात तो सुन लो उनकी। आप देखे, ये मेरा ही घर है। आपके सामने वाले फ्लैट में जो फैमिली रहती है उनके बारे में पूछने आए हैं। क्या पूछना है? देखो जो भी पूछना है जल्दी पूछो और जाओ यहाँ से। उस फ्लैट में जैस्मिन नाम की एक औरत रहती है, अपने पति और अपने बेटे के साथ। हम उसके बारे में आपसे पूछना चाहते हैं। जैस्मिन? वो तो मर चुकी। पर हमें तो यहाँ भेजा था किसी ने जैस्मिन से मिलने के लिए। क्या आपको पूरा यकीन है कि जैस्मिन मर चुकी? मौत हो चुकी है उसकी। मौत मतलब अब उस घर में कोई नहीं रहता जैस्मिन के पति और बेटे के अलावा? मेरी डॉल दो। एक औरत रहती तो है वहां, शायद वही जैस्मिन हो। कपड़े किसने बदले? तुम्हारे लिए कितना काम कर रहा हूं। तुम्हारे कपड़े भी मैंने बदले। तुमने? हाँ। तुम तो ऐसे ही सोने चली गई थी, ऐसे। ये लो, दवाई खा लो। तुमने आज दवाई नहीं खाई। राज कुमार, मैं सो गया।
मेरी लेना तू भी सो जा राजू तुम्हारे ताला लगा हुआ। ये लोग अचानक चले कहां गए? जो कुछ भी है ताला तो तोड़ना ही पड़ेगा। पर इस तरह किसी के घर में घुसना ठीक होगा? यामिनी पता तो करना ही पड़ेगा कि आखिर जैस्मिन जिंदा है या मुर्दा। मुझे तो लगता है जैस्मिन जिंदा है। अगर मरी हुई होती तो दुर्जन क्यों भेजता है उससे मिलने के लिए? दुर्जन को समझना इतना आसान नहीं है। उसके दिमाग में कब क्या चल रहा है कोई पता नहीं लगा सकता। जानवर की आवाज वो दिखता क्यों नहीं है? नहीं है। पर हम अंदर जाएंगे कैसे? यामिनी तुम्हारे बालों की पिन देना, शायद उससे दरवाजा खुल जाए। ये सब क्या है? क्या हम कोई गलत घर में तो नहीं आ गए? घर तो वही है, बस हुलिया बदल गया है। इस घर में तो कोई भी नहीं, ना जैस्मिन का पति ना उसका बेटा। अचानक दोनों गए कहां? अचानक ये घर की हालत देखिए तुम लोगों। ऐसी हालत देखकर तो लग रहा है कि कई दिनों से यहाँ पे कोई नहीं रह रहा। फिर आया। ये कोई आम आवाज नहीं है, जरूर ये कोई आत्मा है। सुबह जब हम यहाँ आए थे तब घर की हालत ऐसी नहीं थी। क्या वो हमारा भ्रम था कि ये हमारा भ्रम है? ना तो ये हमारा भ्रम है और ना ही वो हमारा भ्रम था। इन सब चीजों का कुछ तो संबंध है दूसरी दुनिया के साथ।